नमस्कार पीसीए न्यूज के आज के एपिसोड में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं कि दो दिन पहले मोइनी पैलेस, जिसका पांचवें माले का स्लैब गिरकर चौथे से तीसरे से एक पे और फिर ग्राउंड पर आ गया, उसमें पांच लोगों की मौत हो गई। इनका ये कहना है, जो मेरे पीछे खड़े सब बिल्डिंग में रहते हैं, कि इन्हें न शासन की तरफ से कोई बंदोबस्त मिला, न प्रशासन की ओर से। दर दर की ठोकरें खाने के लिए इनको छोड़ दिया गया। न यहाँ के किसी नगर सेवक ने, हालांकि पैनल है, पैनल में चार नगर सेवक रहते हैं, लेकिन किसी भी नगर सेवक ने कोई भी हेल्प नहीं की है। इनके नज़दीक में ही रहते हैं जमनू पुरस्वानी जी, जिनके पास ये लोग गए, उन्होंने भी सिर्फ हाँ कह दी, लेकिन कोई भी बंदोबस्त करके इनको नहीं दिया। आइए इन्हीं से जानते हैं कि इन्हें क्या तकलीफ है और किन किन तकलीफों से ये गुजर रहे हैं। तीन दिन से रोड पे बैठे, हमको कोई सहारा नहीं कर रहे, कोई भी नहीं। मेरे छह बच्चे, एक दो चार फंसे हुए थे अंदर, वो लोग खुद निकले। इतना सा छोटी सी किना, मतलब मेन गेट था ना, वो इतनी सी जगह थी, वो लोग खुद बच के आए। मैं, पुलिस वाले सब खड़े थे, वो चिल्ला रहे थे ऊपर से। मेरे को काम पे मेरे लड़की ने फ़ोन किया, ऊपर से बोलती मम्मी सब अपना गया, हम ऊपर अटके हुए। वो मैं भागते हुए आई हूँ, मेरे बच्चे वो जम्बू जाने, अभी वो आया था। आप मिले, आप भी मिले, इधर हाथ कर दिया कि हम कुछ नहीं कर सकते। हाँ, हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों मदद नहीं कर सकते? हाँ, वो बोले कि हम कुछ मदद नहीं कर सकते। मैंने बोला हमको कुछ तो दो, रहने के लिए घर था, हम रोड पे खड़े, रोड पे खड़े, कुछ भी नहीं कर सकते। बड़े साहब से मिलो, किससे मिलने का? लड़की खुद निकल के आई है, ये देखो, नहीं खुद ही निकल के आए बच्चे लोग। लोगों की जिंदगी के साथ खेलेगा क्या? एक कमिश्नर का फर्ज नहीं है कि जो इलीगल काम है सबको बंद करवा दे, और जिन भी बिल्डिंग को नोटिस दिया गया है उन्हें रहने की दूसरी जगह शिफ्ट करके उन बिल्डिंगों को खाली करवाया जाए। कुमार आनंद के ऑफिस में गए थे, उन्होंने हमको मदद की। हाँ। उन्होंने बोला कपड़े देते तुमको, राशन देते, बाकी रहने के लिए दिया है, दिया है। हाँ। अभी पैसे भी थोड़े दो, 1000 रुपए दिए कि तुम लोग खाली। उन्होंने इतना मदद किया, उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उसने ऐसा कर दिया। हम लोगों की मदद कीजिए, क्योंकि हमारा इनका कोई नहीं है। ये लेडीज अपना पेट खुद पालती हैं, इनका छोटा बच्चा है, ये लोग खुद कमाते खुद चलाते। इतना एक एक रुपया करके इन्होंने घर जोड़ा, इन्होंने एक एक रुपया घर जोड़ रहा है। इतना निमंत्रण करती हूँ, प्लीज आप लोग हेल्प करो, प्लीज। बहुत हो, हम लोग कैसे यहाँ पे रह रहे? हम तीन चार दिन से एक ही कपड़े, बच्चे उसी कपड़े में, जिस दिन से हादसा हुआ है। मैं आप लोगों से निमंत्रण करती हूँ, प्लीज हमारी मदद कीजिए, प्लीज। हम लोग इसे रोड पे आगे कितना टाइम रहेंगे? हमको तो शक चाहिए। अभी आपको खुद को पता है ये माहौल कैसा है, कोरोना है। कल को हमारे बच्चे, खुद हमारे बच्चों को कौन मदद करेगा? हमारा बच्चा, एक तो हमारा बच्चा चला गया, उसको कोई लेके आएगा नहीं, चला गया हमको छोड़ के। अभी हमारे दूसरे भी तो बच्चे, हमको उनको भी तो देखना है ना। शासन और प्रशासन सभी को पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार है। डेंजर बिल्डिंग है, कई लोगों को ऐसे लग रहा है कि हम अपना सामान निकालें, लेकिन बहुत बड़ी मुसीबत है, डर भी है कहीं बिल्डिंग आके न गिर जाए। इसके लिए फायर ब्रिगेड, हमारा डिपार्टमेंट, महानगर पालिका के अधिकारी, पुलिस डिपार्टमेंट सहयोग कर रहा है। एक एक जने को ले जा करके थोड़ा थोड़ा जो उनका बहुत ज़रूरी घर का सामान है, डॉक्यूमेंट हैं, पैसे हैं, और वो निकालने की हम कोशिश कर रहे हैं। और तुरंत मैंने कल आयुक्त साहब से बात की है, एक हफ्ते के अंदर हम इस बिल्डिंग को पूरा डिमोलिशन करेंगे, और जिस वक्त डिमोलिशन करेंगे उस वक्त हम सबका सामान निकाल के यहाँ बाहर रखेंगे, और पुलिस डिपार्टमेंट के हाथों से जिसका जिसका जो सामान है उनको दे देंगे। और अभी कई लोगों ने जो अपने डॉक्यूमेंट है निकाले हैं, और कुछ लोग अभी भी एक एक करके हमारे नेत के साथ खुद अपने साथ लेके जा करके उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। यह पूर्ण रूप से गलत है कि शासन और प्रशासन मदद नहीं कर रहा है। मदद की जा रही है, लेकिन लोगों में उतावलापन है, बहुत घाई गड़बड़ी है, और इतना घाई गड़बड़ी में हम किसी को अंदर जाके देके और उनके जान माल का नुकसान नहीं कर सकते। इसके लिए हम इसको धीरे धीरे कर रहे हैं। महानगर पालिका तरफ से इनको कोई जगह नहीं दी गई रहने के लिए? तो देखिए, महानगर पालिका की तरफ से उसी दिन जिस दिन यह बिल्डिंग गिरी थी, हमने थारा सिंह दरबार में हमारे गणेश सिंपी जी ने इनकी व्यवस्था की थी रहने के लिए। कुछ लोग रहे, और जो कई लोग अपने अपने रिश्तेदारों के यहाँ चले गए। और महानगर पालिका तो ऐसा कोई अपने पास व्यवस्था है नहीं कि इनको जगह दे देगी। हर एक भाड़े वाले हैं, कोई अपने मकान वाले हैं, सबको खुद की व्यवस्था करनी पड़ेगी। इमरजेंसी में हमने तीन चार दिन उनके लिए व्यवस्था की थी, लेकिन कुछ लोग रहे, कुछ चले गए।